सो हाई एवरी वन वेलकम टू आवर चैट शो वन मोर टाइम आज मेरे साथ है नमिता थापर जी हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं शी इज वेल नोन इन आवर कंट्री एज अ शार्क टैंक एंड मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। मैं उन्हें काफी सालों से जानता हूँ इस पूरे एपिसोड सीरीज में जहाँ पे हम आयरन डेफिशियंसी अनिमिया और हीमोग्लोबिन इन तीन चीजों की बात कर रहे हैं ये पूरा टॉपिक इस लेडी के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता बिकॉज उन्होंने और उनकी कंपनी ने पायनियरिंग वर्क किया है स्पेशली रिगार्डिंग आयरन टैबलेट्स एंड सम ऑफ द आयरन इंजेक्शन आई एम सो ग्लैड दैट यू आर ह्योर नमिता जी यू हैव टेकन आउट टाइम फ्रॉम योर स्केड्यूल फ्रॉम योर इनक्रेडिबली बिजी स्केड्यूल लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे एंड यू आर डूइंग दिस रिकॉर्डिंग विद अस ऑन जूम सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग that mqr has been doing consistently in order to ensure that women's health in our country is happening and progressing very, very nicely. so thank you so much for that. so, to dr. jay, uh, thank you very much for your kind words. and the pleasure and uh, honor is entirely mine. And thank you to mujia apukena, you say, because sapsi, busy to apki your life, many your apka clinic, you are so busy. patients all day, all day surgeries. यू नो डिलीवरीज एंड फिर भी आपका जो यूट्यूब चैनल है आई नो हाउ मच पैशन यू पुट इन टू इट हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इन टू इट और um, मैं हमेशा कहती हूँ हमारे कंट्री में हेल्थ केयर को लेकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ थ्री एज ए फॉर अवेयरनेस ए फॉर एक्सेस एंड ए फॉर अफोर्डेबिलिटी और उसमें जो सबसे बड़ा ए है विच इज़ अवेयरनेस वो आप टैकल कर रहे हैं बाय एजुकेटिंग पीपल From your uh, YouTube channel and all the lovely talks. So, my compliments to you and my congratulations to you. Thank you. Now, we a which is anemia. Yeah. Ye kehna ke, you know I'm a mother. And I have two children. My older one will be 17 in two weeks, and my younger one will be uh, 12 in a month's time. तो और मैंने दोनों बच्चों के बीच में आई हैव गॉन थ्रू टू इनफर्टिलिटी एंड आई नो हाउ इमोशनली ट्रामेटिक फाइनेंशियली इट इज फॉर वुमेन मेरे दोनों साइकिल फेल हो गए एंड देन विद अ मिरेकल आई कंसीव्ड माय सेकंड चाइल्ड um कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड बट बिकॉज मैं वो जर्नी से गुजर चुकी हूँ मुझे पता है कि ये कितनी मुश्किल जर्नी होती है वुमेन के लिए राइट right? और आप इतने इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं आप इतने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं और फिर उसके ऊपर आपको रोज वो टैबलेट लेनी है आयन की राइट right? एंड वो आयन की टैबलेट में इतने इश्यूज होते हैं गैस्ट्रिक इश्यूज कॉन्स्टिपेशन सो मेनी प्रॉब्लम और इसके वजह से आई एम वेरी प्राउड दैट प्राउड्योर इज ए पायनियर और उन्होंने जो सालों पहले जो इनोवेशन भारत में हम लाए हैं ऑन फेरिस एस्कॉर्बेट जिसकी वजह से आयन अब्जॉर्ब

मतलब मोर देन फिफ्टी परसेंट विमेन इन इंडिया आर अनिमिक ये लोगों को पता नहीं है का डेफिनेशन क्या है मतलब बारह हेमोग्लोबिन पकड़ो या दस पकड़ो या चौदह पकड़ो ये उन्हें पता नहीं है एंड ओ दिस ओनली हैपेंस इन द स्लम्स ऑफ पुअर पीपल डजन है रिच पीपल ये भी पता नहीं है मतलब इतना सारा मिस विद द एजुकेटेड क्लास है आई आयुष शॉप डॉक्टर एंड जस्ट बाय गोइंग एंड टॉक टू फ्रेंड्स अपर मिडिल क्लास पीपल एजुकेटेड पीपल जिनको कोई जानकारी नहीं है आई रियलाइज दैट इट इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट टू कम अपडिस बट ऑल्सो टू डू अफ अवेयरनेस तो एम क्यू बहुत सारे फ्री कैम्प करती है एंड विथ वेल मीनिंग डॉक्टर्स लाइक यू क्लिनिकल ट्रायल्स और सब करके हमने एक पूरा लाइफ साइकिल बनाया है hmm. तो पहले ओरोफर एक्सटी था

they have anemia and they find it pretty shocking उनको बड़ा uh, you know setback hota hai when they realize कि acha mujhe anemia hai? my diet is so healthy this that hundreds of things so you addressed that point very nicely you know so thank you so much for that main ek aur question puchna chahta hu ek life cycle में एक tablet की journey में right from the thought to the market है ना एक बहुत बड़ी journey है बहुत struggles आती है ये पूरी journey में बहुत सारा R&D चलता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिजेक्ट होते हैं पैकिंग रिजेक्ट हो जाता है मार्केट कैसे करना है ये रिजेक्ट हो जाता है मैं चाहता हूं कि इस चैनल के द्वारा क्योंकि हम आयरन की बात कर रहे हैं इतनी ज्यादा हाउ डिफिकल्ट एंड वॉट वॉज द चैलेंजेस जो आपको फेरस एस्कॉर्बेट और ओरोफर ओरो लॉन्च करने के टाइम पे थॉट प्रोसेस से लेके एग्जीक्यूशन तक आए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर जैन थैंक यू आप इस पे चर्चा कर रहे हैं बिकॉज मेनी पीपल डोंट सी एक प्रोडक्ट लॉन्च में कितनी मेहनत लगती है राइट तो एम क्यों जो है अभी वी हैव थाउजेंड एम्प्लॉज और हम कंट्रीज में हैं तो ये जो हम एक ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं एंड वी हैव गॉट इंडिया ऑन द ग्लोबल मैप ये एक दिन से नहीं बनाया कि चलो उठ जाओ और ये सोच लो या वो सोच लो ये बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेटरी इट्स टीम जिन्होंने बहुत मेहनत की है टू ब्रिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स

तो उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल होता है उसके बाद हमारे अप्रूव डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ही हम ये प्रोडक्ट मार्केट में भेजते हैं तो ये जो एक जर्नी है जो आपने बताया टैबलेट की जर्नी यू नो ये एक बहुत लंबी जर्नी है इसमें बहुत लोगों के एफर्ट्स बहुत पैसा जाता है और फिर भी दुर्घटनाएं होती है लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल जो मेरा सबसे चाहिता है और आपका भी फेरिस कार्बोक्सी माल्टोस प्रगनेंट वन की कितनी जान बचाई है दो महीने पहले इट वॉज ऑल ओवर करे ये प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी है हमारे कंपेटिटर्स ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा टू रू इन द रेपेशन और रेप्यूटेशन ऐसी चीज है ना कि कंपनी हो या इंसान सालों लग जाते हैं रेपुटेशन बनाने और एक ऐसी किसी ने अफवाह फैल दी या मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपगैंडा किया तो उससे सालों की मेहनत जा सकती है तो आई रिमेम्बर मैं और मेरे फादर माइ फादर सेवेंटी ऑल डे और ये क्या हो रहा है और फिर फाइनली वी रियलाइज के इट वॉज अस ड्रग मतलब ड्रग तो yeah. किसी ने गलत ड्रग हमारे पैकेजिंग में डाल दिया था और कितने भी आप यू नो गुड प्रैक्टिस रखो इनफ इन द कंट्री जो ऐसी हरकतें करेंगे एंड सो आई वुड लाइक टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू से हमारा जो प्रोडक्ट है एफ सी एम उस पे क्यू आर कोड होता है तो क्यू आर कोड के बगैर प्रोडक्ट ना खरीदिए और इवन हॉस्पिटल्स पेशेंट डॉक्टर्स अप्रूव स्टॉकिस्ट रिलायबल स्टॉकस जो हमारा एक लंबा प्रोसेस होता है हम किसी को भी स्टॉकिस नहीं बनाते हैं किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाते बहुत लंबा प्रोसेस होता है तो अप्रूव स्टॉक से ही खरीदिए क्योंकि जब आप क्यू आर कोड नहीं चेक करते हैं जब आप uh, कोई भी किसी से भी खरीदते हैं विदाउट चेकिंग कि ये के अप्रूव स्टॉक है कि नहीं तब ये सब इश्यूज होती हैं एंड इससे यू नो इट्स नॉट फेयर टू द कंपनी इट्स नॉट फेयर टू द डॉक्टर एंड मोस्ट इट्स नॉट फेयर टू द पेशेंट क्योंकि ये सब जो आप कर रहे हैं डॉक्टर जय और जो हम इतने दस हजार लोग एम क्यू में बैठ के कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे इट इज विद पेशेंट इन माइंड या तो हमें वो ही करना है जो पेशेंट के लिए सही है आई थिंक uh, ये जो पूरा आपने अभी जो डिस्क्रिप्शन दिया उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यू you नो know, uh, हमारे कंट्री में लोग अक्सर ये बात करते हैं कि एक आयरन की टैबलेट क्या पांच रुपये में टैबलेट बनती है एक आयरन की टैबलेट क्या सात रुपये में बनती है Uh, मैं मेरे ऑडियंस को बताना चाहूंगा एज अ डॉक्टर यू नो मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ इसलिए मैंने ये सारी फैसिलिटीज विजिट की है uh, आप देख कर हैरान हो जाएंगे कि एक आयरन की टैबलेट जो एज अ कंज्यूमर आपको पांच रुपए सात रुपए दस रुपए में जो भी टैबलेट मिल रही है बेस्ड ऑन द कंपनी उसके पीछे द अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड उसके पीछे दी अमाउंट ऑफ वर्क विच इज नीडेड नो इज जस्ट इनक्रेडिबल ओके एंड मैंने वो खुद देखा है एंड uh, नमिताजी थैंक यू सो मच मैं चाहता था कोई एक ऐसा बंदा आके <laughs> ये प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात करे के कितनी मेहनत लगती है वो टैबलेट बनाने के लिए वो मॉलिक्यूल को टेस्ट करने के लिए कितने परमिशन कितने अप्रूवल्स लगते हैं कितने महीने निकल जाते हैं कितना फॉलो अप लगता है एंड अल्टीमेटली पेशेंट को वो बेनिफिट देने के लिए इट टेक्स यू नो इट इज इट्स लाइक दिस हम काफी बार बोलते हैं मैं तो उम्र में थोड़ा यंग हूँ इसीलिए लोग ऐसा बोलते थे कि अरे ही इज एन ओवर नाइट सक्सेस यू नो इसको कुछ इसका कुछ नहीं है ओवर नाइट सक्सेस है बट मैं अक्सर लोगों को बताता हूं दर नाइट सक्सेस आफ्टर टेन ईयर्स ऑफ हार्डवर्क यू नो इट इज द सेम विथ एवरी टैबलेट

तो बोलने दो आपको ओवरनाइट सक्सेस आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है हमें पता है हमने कितनी मेहनत की है बस लोगों की ना परवाह करें और अपना काम करते जाए दैट्स ऑल दैट मैटर्स या दैट्स दैट्स वेरी ट्रू मैं और एक चीज थोड़ा आपके पास से जानना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए ये जब आपने ये क्यू कोड की बात कही कि यू नो क्यू कोड हर से गवर्नमेंट ने एफर्ट्स ली है ऑलमोस्ट एवरी कंपनी का एक यूनिक क्यू आर कोड बनाया है और एवरी कंपनी को एक यू नो दे की काफी बार पेशेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है एंड आई वुड लव अगर आप इस चीज को एड्रेस कर देते हैं तो आयरन विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाई अ कंपनी विच इज अ ब्रांडेड आयरन और जेनेरिक आयरन इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस रहता है क्योंकि पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये जेनेरिक आयन और नॉर्मल आयर्न जो कोई ब्रांडेड कंपनी बेचती है सब कुछ सेम है तो क्या आप उसके बारे में एक या दो लाइन कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को तो नो मैं सब जेनेरिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहूंगी मैं अपनी बात करूंगी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है जो हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में बनाते हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे आपने कहा आपने खुद आके देखी है द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड्स ये चीप नहीं होता है yeah. बहुत सारे जेनेरिक्स मैंने देखे हैं मैं सबकी बात नहीं करूंगी लेकिन मैंने खुद बहुत सारे जेनेरिक प्लेयर्स देखे हैं वो एक छोटे से गराज में एक मशीन डाल देते हैं या कहीं कुछ बना देते हैं विदाउट यू नो दैट टाइप ऑफ अटेंशन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिस अभी yeah. हाइजीन हो गया सेफ्टी हो गया क्वालिटी कंट्रोल हो गया आप आके देखिए प्लांट में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है कैपेक्स ंग द राइट पीपल तो यू नो ये सब जब हम फॉलो करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्वालिटी ऑफ द मेडिकेशन दैट्स टू से तो उसकी यू you नो know, उसके बारे में जरूर सोचिएगा बिल्कुल नहीं एज अ पेशेंट ये एक थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैंने बहुत एड्रेस किए हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो लोगों के मन में रहते हैं पर वो किसी को पूछ नहीं सकते इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा और मैं एक छोटा सा चीज इसमें बताना चाहूंगा लोगों को देखिए वेन यू आर ट्राइंग टू टेक एन आयरन टैबलेट इट नीड नॉट बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी इट कैन बी अ टैबलेट फ्रॉम वट एवर कंपनी यू आर कंफर्टेबल विथ आपको ये टैबलेट पसंद है आप बोल लीजिए बहुत अच्छी बात है वो टैबलेट है ना मैक्सिमम कॉस्ट कॉस्टेन रुपीज टैबलेट ठीक है फॉर टेन रुपीज प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ओके ऑन सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बस ये एक टेक होम मैसेज होना चाहिए जो लोगों को मिले है ना और लोग ये चीज ध्यान में रखे बिफोर कंज्यूमिंग सच important प्रोडक्ट जिससे आपका गेम चेंज हो सकता है आपको याद होगा डॉक्टर अभय ने क्या वर्ड यूज किया था उनके लेक्चर में अनिमिया के बारे में ये एक चीज अगर ठीक से ट्रीट हो गई तो इंडिया का गेम चेंज हो सकता है

या। हमारे वहाँ स्टेटिस्टिक्स इतने शॉकिंग है हेल्थ को लेके एंड इसका सबसे बड़ा रीजन मालूम है क्या है डॉक्टर वुमेन डोंट प्रायोरिटाइज हमारी जो टू डू लिस्ट होती है ना उसमें सब लोग सब चीजें पहले आते हैं हम आखिरी में आते हैं राइट तो हम ना हमारे एनुअल चेकअप के लिए जाते हैं आयन टैबलेट्स भी नौ महीने कंप्लायंस इज हम टाइम पे लेते नहीं है मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि अरे आपके आपके बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा आप टैबलेट लीजिए आयन की तब जाके वो लेती है खुद के लिए नहीं पर बच्चे के लिए तो हमेशा हम खुद को एज अ वुमेन इतना लो प्रायोरिटी क्यों देते हैं सो प्लीज गो फॉर योर एनुअल चेकअप्स प्लीज कंप्लायंस अगर नौ महीने लेना है तो नौ हम महीने लेना है स्किप मत कीजिए एंड प्लीज गेट एजुकेटेड अबाउट द वेरियस कंडीशंस ताकि प्रेगनेंसी हो या मेनोपॉज हो या पीसीओएस हो या जो भी हो नथिंग टेक्स यू बाय शॉक यू आर प्रिपेयर्ड सो यू कैन बी योर बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन योर लाइफ एंड एंजॉय द जर्नी थैंक यू नो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अगेन ये पूरी चर्चा है ना अभय सर ने भी बताई है आपको जब आयरन डेफिशिएंसी है आयरन टैबलेट तो लीजिए पर साथ में उसका कॉज ट्रीट कीजिए यू नो और वो कॉज ट्रीट करना बहुत लोग इग्नोर करते हैं हमारी कंट्री में मैं रियली really आशा रखता हूं कि ऐसे छोटे छोटे एपिसोड्स के द्वारा लोगों को वो टेक होम पॉइंट्स मिलेंगे जो शायद उनकी हेल्थ सुधार सकता है उनको एक बेटर एंड अ मोर हेल्दी इंडिविजुअल बना सकता है ये बहुत ही डिफरेंट था ये बहुत यूनिक था मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा कुछ अलग सा चीज़ सुन के एंड मैं सारे ऑडियंस की तरफ से और एक बार नमिता जी आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज यू हैव टेकन आउट टाइम फॉर मी ऑन माई रिक्वेस्ट एंड आप यहाँ पे आए इस शो पे थैंक यू सो मच वी वुड रियली लव टू सी यू अगेन एंड प्लीज कंटिन्यू द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग एंड इंस्पायरिंग ऑल पीपल लाइक अस सो थैंक यू सो मच थैंक इनवाइटिंग Friends, we are available for consulting in Bombay, Indore, Ahmedabad, and Bangalore. Bombay is our primary location. All appointment numbers are mentioned in the description. If anyone is genuinely interested, they may contact the hospitals for the same.